जो अपना स्नेह है, अपना प्यार है आपके लिए, क्या मैं वो सिद्ध नहीं कर पाया? नहीं। अगर इस वीडियो में आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लगे या फिर मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगे तो समझ जाना कि मैंने आदि पुरुष देखी है और आदि पुरुष देखने के बाद मेरी तबीयत हो चुकी है खराब। बहन डर गई, बहन डर गई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आदि पुरुष मूवी के साथ ऐसी चीजें जो बाहर किसी चीज से हूबहू कॉपीड है इस मूवी में। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आपने आदि पुरुष मूवी देख ली? और देख ली तो कैसी लगी, मतलब बताइएगा जरूर मुझे। और अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मुझे ये मूवी महा महा वाहियात लगी। कल मैं एक न्यूज चैनल देख रही थी जिसमें मनोज मुंतशिर जी का एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने आदि पुरुष को ऐसे छपरी डायलॉग्स में इसलिए लिखा क्योंकि लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती है। बच्चों तक पहुंचे, बाकी तो खैर जो बड़े हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा पता है, लेकिन जो बच्चे इससे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए, जो युवा वर्ग है वो भी ये फिल्म देखे। तो मेरा उनसे सवाल है, रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो तो लोगों को आसानी से समझ आ गई थी, तो आप कुछ ऐसी भाषा नहीं प्रयोग कर सकते थे? और इसके अलावा भी ये बोल रहे हैं कि मेरे ये जो डायलॉग्स हैं ये मैंने अपनी नानी जी और दादी जी जो भी व्हाटएवर उन्होंने बोला था उनसे सुने हुए हैं। तो बात ऐसी सी है ना, ये जो डायलॉग्स है ना ये है कॉपीड। तो सबसे वन पॉइंट आता है कि आदि पुरुष का जो ये डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, एग्जैक्टली कॉपीड है एचजीएच प्रभु जी से। जी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? तो बेसिकली इन्होंने डायलॉग भी खुद से नहीं लिखे हैं, मतलब ये छपरी डायलॉग्स भी इनके खुद के नहीं है, इन्होंने कई बार से चेपे हुए हैं। औकात भी तो होनी चाहिए। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सुना है कि टी सीरीज वालों ने बोला है कि वो इस मूवी के डायलॉग्स को चेंज करने वाले हैं। अब ये पता नहीं किस हद तक चेंज होगा और क्या चेंज होगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि लोगों से उनको आकर के माफी मांगनी चाहिए जो मनोज है, क्योंकि वो आ करके डायरेक्टली लड़े जा रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा अभी भी पॉइंट सही है और वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। सेकंड हम आ जाते हैं रावण की लंका पे, जो कि हूबहू चेपी गई है एसगार्ड से। और इससे भी ज्यादा जो इस मूवी का मुझे कमाल का पॉइंट ये लगा कि इनके ऊपर जितनी कॉन्ट्रोवर्सी उठी थी तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे जो भी स्पैन रहा इन्होंने मूवी डिले की, उस स्पैन में इन्होंने मूवी को एकदम भद्दर काला कर दिया, क्योंकि जब ऑडियंस को कुछ दिखेगा नहीं तो वो गरियाएगी किसको। थर्ड चीज जो आदि पुरुष मूवी में कॉपीड है वो है हमारे इंद्रजी, जो कि लिटरल जैसे उनके ऊपर टैटूज हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक्वामैन की याद दिला देंगे डीसी से। और बताए सबसे ज्यादा मुझे अजीब बात क्या लगती है कि मूवी में एक सीन है जिसमें जो अपने इंद्रजीत है ना वो लिटरल एक चमेलियन में चेंज हो जाता है, कि क्या रेफरेंस है यार, ऐसा कुछ था भी? ठीक कहा है, और अगर हम रावण के लोगों की ही बात करें तो पॉइंट नंबर 4, जो हमारा रावण है ना वो लिटरल बैटमैन है, मतलब सीरियसली वो एक जगह चमगादड़ बन जाता है यार, और मतलब रावण चमगादड़ था ऐसा ऐसा कहाँ दिखाया है यार, मतलब आप कुछ भी दिखाओगे यार। एंड स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा अजीब ये लग रहा है कि जो इसके डायलॉग्स इसने लिखे है ना मनोज ने, वो बार बार आकर के पता है क्या बोल रहे हैं, अरे रावण एक गंदा आदमी था, हमने उसको गंदा तो दिखाया है, पता नहीं आजकल की दुनिया वालों को रावण से सच्चा प्यार क्यों हो गया है। तो बात ऐसी सी है ना कि आप इनएक्यूरेटली दिखा रहे हो जो भी दिखा रहे हो। इन्होंने दिखाया है कि जो रावण है वो लोहार का काम कर रहा है और साथ साथ में चमगादड़ को अपने कुछ नॉनवेज दे रहा है, जबकि रावण एक शिव भक्त था। अब इससे ये नहीं हो जाता है कि रावण एक बहुत अच्छा आदमी और दुनिया उसको एक अच्छा आदमी बोल रही है, लोग बात कर रहे हैं इनएक्यूरेसी की, ना कि लोग कह रहे कि रावण एक अच्छा आदमी था। इसी से हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 वानर सेना पे, जो कि हूबहू चेपी गई है प्लैनेट ऑफ द एप्स से। बेसिकली इन्होंने रत्ती भर भी मेहनत नहीं की है और सबसे ज्यादा बुरा लगता है जामुन जी को देख करके, लिटरल इन्होंने
कि क्या बना दिया है यार। एक सीन तो लिटरली आपने भी शायद देखा होगा मेम्स पे कि अल्लू अर्जुन ब्रांति पुरुष में क्या कर रहे हैं यार। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो आप समझ सकते हो कि जब ये ट्रीजर रिलीज हो करके जो ये गैप आया है ना, इसके बीच इन्होंने दो काम किए हैं। एक तो समोसा खिलाया है और दूसरा मूवी को काला कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, रावण का जो चमगादड़ है। बेसिकली चमगादड़ रखने की क्या जरूरत थी पहली बात तो, और दूसरी बात ये चमगादड़ भी कॉपीड है अपनी हाउस ऑफ द ड्रैगन के चमगादड़ से, आई मीन ड्रैगन से। और हाउस ऑफ द ड्रैगन से हमें याद आता है गेम्स ऑफ थ्रोन। और हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 7, सीता जी का महरूपिया वाला सीन जो कि एग्जैक्टली गेम ऑफ थ्रोन से उठाया गया है। सच बताऊं तो आदि पुरुष देखने के बाद मैं ये फील कर पा रही थी कि सारी जनरेशन और सारे लोग यूनाइट हो गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे लोग मिलकर के आदि पुरुष को गरिया रहे हैं कि ये पिक गई आदि पुरुष की टीम, ये सारे मिलकर के हमको कथा बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जो ये संस्कृति और जो रामायण के नाम पे हम ऐसा धोखा किया गया है, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए